हम इंसान एक ऐसे प्राणी है जो कि धरती पे बैठे हुए 4584 कॉमेट को डिस्कवर कर चुके हैं और ना जाने आप लोगों को उनमें से कितने का ही नाम पता ही होगा। लेकिन दोस्तों जब कॉमेट की बात आती है तो हैलिस कॉमेट का नाम बीच में क्यों ना आए, क्योंकि इसे लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था, जो कि अब ये वापस आने वाला है 2061 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है। अभी तो आने में इसको काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन दो हैलिस कॉमेट की ही तरह एक ऐसा कॉमेट है जो कि हमारी धरती से क्लोजेस्ट अप्रोच कर रहा है। इसी मार्च और अप्रैल के मंथ में ये कॉमेट देखने को मिलने वाला है आपके नेकेड आइज से। मैं बात कर रहा हूँ डेविल्स कॉमेट की। तो बहुत ही गोल्डन चांस मिला है हम लोगों को डेविल्स कॉमेट को कैप्चर करने का, क्योंकि हमारे पास सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि उस कॉमेट को कैप्चर करने के लिए लगेंगे, क्योंकि हमारे पास सीस्टार S50 है। लेट्स बिगिन द वीडियो। माय नेम इज क्षितिज एंड यू वाचिंग एस्ट्रो अमेचर। कॉमेट्स क्या होता है दोस्तों? कॉमेट्स एक आइसी बॉडीज होती हैं जो कि डस्ट पार्टिकल और आइस से मिलकर बना रहता है। जब अपने वो पेरिहेलियन पे पहुंचती है, मतलब सन के काफ़ी क्लोज ऑर्बिट करती है, तब वो आपको एक ब्यूटीफुल सा टेल फॉर्म करते हुए दिखेगी। वो टेल कैसे प्रोड्यूस होता है दोस्तों? जब वो सन के काफ़ी क्लोज जाएगी, वो हीटअप होगी, सन के थ्रू उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तब हमको वो कॉमेट अपीयर होता है। कॉमेट की कोई लाइट नहीं होती दोस्तों, ये आप लोग जान लो पहले से। तो हम बात कर रहे हैं 12P पॉन्सब्रुक की, जो कि 71 साल बाद हमारे धरती से क्लोजेस्ट अप्रोच करने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस होने वाला है सारे एस्ट्रोफोटोग्राफर कम्युनिटी के लिए। एक पीरियोडिक कॉमेट है जो कि हर 71 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में इंटर करता है और फिर वापस चला जाता है। का जो ऑर्बिट एरिया है नेपच्यून से लेकर वीनस के क्लोजेस्ट अप्रोच करता है। ये हम लोगों को वेस्टर्न स्काई में शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होने वाला है कि आप लोग अपने नेकेड आईज से भी इसको ऑब्जर्व कर पाओगे। ये बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। तो विलियम रॉबर्ट ब्रुक्स अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, मतलब डीप स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे थे। काफी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें एक ब्राइट चीज देखने को मिलती है अपने टेलीस्कोप के जरिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ब्राइट नेबुला को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन उन्हें बाद में जाके रियलाइज होता है कि उन्होंने एक कॉमेट को डिस्कवर करा है जिसका नाम डेविल्स कॉमेट है। और यही कॉमेट को 1812 के अंदर लुई पॉन ने सबसे पहली बार इसको डिस्कवर करा था। यहीं तक नहीं रुके विलियम रॉबर्ट ब्रुक्स, वो 1881 से लेकर 1887 तक कॉमेट को डिस्कवर करते रहे। और 1883 में उन्हें सबसे स्पेशल मोमेंट मिला, क्योंकि उन्होंने जून मंथ के अंदर 10 से भी ज़्यादा कॉमेट को डिस्कवर करा, और सबसे जो स्पेशल कॉमेट था उसका नाम था डेविल्स कॉमेट, जो कि उन्होंने उसको रीडिस्कवर करा। ये सब चीज़ों के लिए उनको नोबल प्राइज़ भी मिला, जो कि बहुत ही बड़ी प्राउड मोमेंट थी उनके लिए। और जहाँ तक देखा जाए विलियम रॉबर्ट ब्रुक्स अपने पूरे लाइफ स्पैन में 27 कॉमेट को डिस्कवर करे, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। तो यही थी पूरी डिटेल इस कॉमेट के बारे में। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि इस कॉमेट को आप अपने टेलीस्कोप से कैसे फाइंड कर सकते हो, वो भी अपने मैनुअल टेलीस्कोप से। तो आपके पास ऐसा 2 अपकमिंग डेज आ रहे हैं जिसमें आप इस कॉमेट को अपने टेलीस्कोप से कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि ये जो कॉमेट है किसी स्टार के पास देखने को मिलने वाला है, और दिन प्रतिदिन इसका जो कॉमेट का मैग्नीट्यूड है कम होता जा रहा है, क्योंकि ये अपने पेरिहेलियन पे पहुंचता जा रहा है, सन के काफी क्लोज जाने वाला है। तो आपके पास यही गोल्डन चांस मिला है। तो जो हमारा पहला डे है वो है 13 मार्च 2024। एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन के अंडर डेल्टा एंड्रोमेडे एक बाइनरी स्टार है जहाँ पर ये कॉमेट उसके आसपास देखने को मिलने वाला है। तो आपको लो मैग्निफिकेशन वाली आईपीस लगाकर अपने मैनुअल टेलीस्कोप से ढूंढना पड़ेगा, और इसका मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली उस समय 6 के आसपास होने वाला है। और जो दूसरा दिन होने वाला है वो 31 मार्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि उस दिन आप लोग इस कॉमेट को बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर पाओगे अपने मैनुअल टेलीस्कोप से। क्योंकि उस दिन क्या होने वाला है, ये जो कॉमेट होगा एक हमाल स्टार है जो कि एरिस कॉन्स्टेलेशन के अंदर आता है, जस्ट उसके बगल में होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा चांस मिलने वाला है दोस्तों आप लोगों को कैप्चर करने का। और उस दिन मैं भी आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। अभी तो आप लोग मेरे गो टू टेलीस्कोप से रिजल्ट देखो कैसा आता है। और उस दिन इसका मैग्नीट्यूड 5 के आसपास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब अपने टेलीस्कोप की तरफ बढ़ते हैं और इस कॉमेट को कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। गाइज हम लोग अपने रूप पर आ चुके हैं, और इधर का आप लोग देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड काफी प्रिटी लग रहा है देखने में, क्योंकि अभी इधर साइड सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में,
क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमारा जो डेविल्स कॉमेट है वो 6:00 समथिंग पे हमारे होराइजन के आसपास देखने को मिलेगा डेविल्स कॉमेट। और इधर का जो मौसम है काफ़ी गजब का हो गया है, मैं आपको अपने रेयर कैमरा से दिखाता हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हैं अभी एकदम क्लियर स्काइज देखने को मिल रही है, कोई क्लाउड देखने को नहीं मिल रहा होगा। होराइजन लेवल के पास थोड़े बहुत क्लाउड्स होंगे, लेकिन अभी दोपहर के टाइम यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ह्यूज अमाउंट में क्लाउड यहाँ पर ढेर सारे थे। और हमारा जो डेविल्स कॉमेट है 12P पॉन्सब्रुक कॉमेट, वो इस डायरेक्शन में देखने को मिलने वाला है, यहीं पर एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमारा कॉमेट आने वाला है। तो ये करीब 20 डिग्री के ऊपर ये हमारा कॉमेट देखने को मिलेगा, तो होपफुली हम लोग ये कॉमेट आज अपने टेलीस्कोप से कैप्चर कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे शाम में मिलता हूँ। यहाँ पास एकदम रात होते हुए और हम लोगों ने अपने टेलीस्कोप को सेटअप कर लिया है। इधर आप लोग देख सकते हैं पूरे तरीके से सनसेट होने वाला है और यहीं पर हमारा डेविल्स कॉमेट आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। How are you God? तो आइए सबसे पहले अपने सी स्टार टेलीस्कोप को, वहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे वो हमारा सी स्टार टेलीस्कोप है, और मैं इसको जल्दी से अपने सी स्टार से कनेक्ट करता हूँ अपने स्मार्टफोन को। तो मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे सी स्टार एप्लीकेशन ओपन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सी स्टार एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, और फिर इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट, लोकेशन सब ऑन करना पड़ेगा, और फिर इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इंटर दबाना होगा, और फिर यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है हमारे सी स्टार से, और ये हमारा एस्ट्रो अमेचर से कनेक्शन कंप्लीट होते हुए हमारा टेलीस्कोप फुल्ली सेटअप हो चुका है हमारे फ़ोन से। और अब चलिए मैं इस टेलीस्कोप का डस्ट कैप निकालता हूँ। तो मैं जस्ट ये मोशन वाले बटन को ऊपर करता हूँ और ये धीरे धीरे ऊपर होना स्टार्ट हो गया है, दिख पा रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए इसके डस्ट कैप को सबसे पहले रिमूव करते हैं। तो हमारा डस्ट कैप रिमूव हो चुका है। अब हम लोग इस टेलीस्कोप को लेवल करेंगे और कैलिब्रेट करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट कर लिए हैं, 0.5 हमने कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से फिनिश पे क्लिक करता हूँ, और एक चीज़ और करना है, कंपस कैलिब्रेशन। आपको टेलीस्कोप को 4-5 बार रोटेट करना पड़ेगा, उससे और अच्छा कैलिब्रेट हो जाएगा आपका टेलीस्कोप। यहाँ पर आप लोग देख सकते होगे ये हमारा सी स्टार है, इसको रोटेट करना है इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पर हमारा कैलिब्रेशन कंपस कंप्लीट हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपके पास स्मार्ट टेलीस्कोप आ गया है तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत दोनों में लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम मेहनत लगती है, जो कैमरा वगैरह संभालना रहता है इसमें इतना नहीं करना पड़ता। लेकिन इन हमारे जो एडवांस टेलीस्कोप होते हैं और ये जो स्मार्ट टेलीस्कोप होते हैं, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। ये बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल के दे देंगे, और वो हाई रेंज में जाके आपको अच्छे रिजल्ट निकाल के देते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो हमारा कैलिब्रेशन कम्प्लीट हो चुका है, और फिर उसके बाद हम लोगों को लेवलिंग सेंसर पे क्लिक करना है, इसको भी कैलिब्रेट करना है, क्योंकि अगर आप इसको कर दोगे तो आपका टेलीस्कोप एकदम एक्यूरेट लेवल हो जाएगा, फिर ट्रैकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और सी स्टार को छूना नहीं है। तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, अब देखते हैं लेवल कितना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.0 लेवल हम लोग कर चुके हैं, एकदम एक्यूरेट लेवल हो चुका है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने डेविल्स कॉमेट की तरफ अपने सी स्टार को पॉइंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा सी स्टार एप्लीकेशन का। यहाँ पर स्टार गेजिंग पे क्लिक करना है और फिर इधर मैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर फाइंड करना है 12P पॉन्स ब्रुक को। तो देखता हूँ मैं कहाँ पर हूँ, वेस्ट डायरेक्शन किधर है, किधर है, किधर है। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट डायरेक्शन आ गया है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे कि 12P पॉन्स ब्रुक देखने को मिल रहा है। देन इसके ऊपर ये बॉक्स आ चुका है और आपको गो गेजिंग पे क्लिक कर देना है, तो ये जो हमारा टेलीस्कोप है उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे कि ये जो ब्लू बॉक्स है इसके ऊपर आ चुका है, प्लस के आइकन में दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर गो टू पे सेट होने वाला है ये ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रैकिंग पे आने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट फेल्ड हो चुका है, ये दोबारा कर रहा है, देखता हूँ इस बार हो पाएगा कि नहीं। तो फाइनली जाकर अलाइन हो चुका है और अब मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉमेट आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा और मैं इसको अब ऑटो फोकस करता हूँ। तो ऑटो फोकसिंग कम्प्लीट हो चुका है, देन आपको शटर बटन पर क्लिक करना है और ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि आपका टेलीस्कोप कहाँ पर पॉइंट है, किधर है, और देन आइडेंटिफाई करने के बाद ये 3-स्टार अलाइनमेंट करता है। 3-स्टार अलाइनमेंट करने का मतलब कैलिब्रेट करेगा, तीनों स्टार को अलाइन करेगा जिससे ये ट्रैकिंग कर पाएगा स्मूथली। तो यहाँ पर पहला कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब ये सेकंड कैलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। सेकंड कैलिब्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है, अब ये थर्ड कैलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारा थर्ड कैलिब्रेशन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फेल्ड हो चुका है, हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन फेल्ड हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अब 2-स्टार अलाइनमेंट में ही हमको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, कुछ खास ट्रैकिंग नहीं होने वाली लेकिन काफ़ी हद तक ये कैप्चर कर लेगा। फाइनली हमारी जो कैप्चरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुली हम लोगों ने डेविल्स कॉमेट को कैप्चर कर लिया है। तो गाइज़ अब ये वक्त आ गया है कि आप लोगों को मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊं, लेकिन काफ़ी लोगों को लगेगा कि मैं फेक इमेजेस कैप्चर कर रहा हूं, तो उनके लिए एक जवाब है मेरे पास। आप यहां पर देख सकते हो सी स्टार एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा होगा, यहां पर हम लोगों ने करीब 150 से भी ज़्यादा फोटो कैप्चर करी है और मैं आपको एक बार रॉ फोटेज दिखा दे रहा हूँ जो कि मैंने 10 सेकंड का लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने 10 सेकंड का एक्सपोजर लिया है डेविल्स कॉमेट का, जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहा है इसमें देखने में भी और दिख भी रहा है। ग्रीन कलर का कॉमेट आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल भी रहा होगा। काफ़ी फैसिनेटिंग बात है कि हम लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ स्क्रीन पर लगाकर। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।